तो प्रधानमंत्री पहले बिहार, फिर उसके बाद वाराणसी और अब झारखंड पहुंचने वाले हैं। कोडरमा और गिरिडीह में प्रधानमंत्री की विशेष जनसभा होने वाली है। एनडीए और एजेएसयू यानी एनडीए का जो गठबंधन, जो घटक दल है एजेएसयू, उसके जो प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रधानमंत्री जनसभा करेंगे और वोट मांगेंगे। जहां एक तरफ जयंत प्रकाश चौधरी जो एजेएसयू से, और वहीं बीजेपी से अन्नपूर्णा देवी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा करेंगे। और प्रधानमंत्री जब जनसभा करते हैं तो भीड़ ऐसी इकट्ठा होती है कि वो खुद ब खुद इकट्ठा हो जाए, एक पूरी इवेंट बन जाती है। तो कोडरमा और गिरिडीह प्रत्याशियों के लिए प्रधानमंत्री मांगेंगे वोट। झारखंड के लिए भी सियासत के लिए बड़ा दिन। आज कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी बीजेपी प्रत्याशी, वहीं गिरिडीह से एजेएसयू के चंद्र प्रकाश चौधरी जो है वो प्रत्याशी हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ गई। रुचि, आज झारखंड के लिए वो दिन है जो अभी बिहार के लिए था। बिहार में जनसभाएं थी, अब झारखंड में जनसभा। और कमाल की बात यह है कि प्रधानमंत्री वाराणसी से सीधा नामांकन के बाद यहां पहुंच रहे हैं। तो क्या स्थिति होगी आज, किस तरह से स्वागत होगा प्रधानमंत्री का? बिल्कुल कासिफ, देखिए गिरिडीह और कोडरमा लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए आज बड़ा दिन कह सकते हैं, ये राजनीति के लिए अहम दिन कह सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा, जनसभा को संबोधित करेंगे। जनता से उनकी यह अपील होगी कि वो एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में मतदान करें। तो ऐसे में देखिए, आज चंद्र प्रकाश चौधरी हो जो कि आजसू से हैं, पिछली बार भी 2019 में भी वो सांसद रह चुके हैं, वर्तमान में सांसद हैं, हालांकि इंडिया गठबंधन के तरफ से प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो है। दूसरी ओर कोडरमा की जो सांसद है, वर्तमान में भी सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं अभी अन्नपूर्णा देवी, पिछली बार भी उनकी जीत हुई थी। और ऐसे में उनके अगेंस्ट में अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के तरफ से प्रत्याशी विनोद सिंह है, हालांकि वो माले से हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के तरफ से एक मजबूत दावेदार कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की खबरें आई थी, सारी व्यवस्थाएं जो है वो वहां सुनिश्चित की गई। और कह सकते हैं कि आज की तारीख, हालांकि इससे पहले 15 तारीख को उनकी सभा होनी थी, लेकिन तारीख चेंज करके और आज की यानी कि 14 तारीख का वो दिन रखा गया। हालांकि वाराणसी से वो नामांकन के पश्चात ही यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन दोनों संसदीय क्षेत्र से कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, और खास करके जनता में भी, क्योंकि जनता जनार्दन की भी भीड़ अत्यधिक होती है और एक नई ऊर्जा, नया जो उत्साह है लोगों में दिखता है। और ऐसे में देखिए, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर के प्रधानमंत्री लगातार विपक्ष पर निशाने साधते आए हैं, लेकिन आज देखना होगा कि वो मंच से अपने संबोधन के समय में कौन कौन से ऐसे मुद्दे को लेकर के विपक्ष पर निशाना साधते हैं। हालांकि जब भी आए हैं, ये तीसरा बार उनका दौरा होगा झारखंड का, और जब भी आए हैं यहाँ की सरकार को, राज्य सरकार पर जम करके बरसे हैं, और साथ ही उन्होंने जनता से अपील भी की है। जी बिल्कुल, गजब के अंदाज में प्रधानमंत्री जो विपक्ष है सेंटर में और जो सरकार है झारखंड में, दोनों को ही घेरते हैं। जैसे जब जब प्रधानमंत्री के जनसभा को देखा गया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रुचि।